विजन ग्रुप रिफ्यूजल होने के बावजूद भी कितना वीजे दवाई जाता है। बच्चा गलत कोर्स अप्लाई कर लेता है, जेड़ा बच्चा जिस कोर्स जाने लिए एलिजिबल नहीं उन्होंने उत्थे एडमिशन देंगे। विजन ग्रुप का सब तो बड़ा पहला मोटिव होता है अगर बच्चे का वीजा रिफ्यूज होया, चाहे एक बार हो चाहे बारह बार हो, तो असं बारह बारह रिफ्यूजल वीजा इस तरह ही कड़े हैं। विजन ग्रुप बाकी डिफरेंट कि विजन ग्रुप की अगर आप गल किसी ने कंपेरिजन नहीं कर सकते, जेडे बच्चे का वीजा नहीं होना उन्होंने फर्स्ट स्टेज से मना करते हैं कि वीजा नहीं हो सकता ना अपलाई करो। जो बच्चा कहता वीजे नहीं आ रहे असं बारह बारह रिफ्यूजल वीजे करते, लोग पाँच पाँच दस दस पंद्रह पंद्रह पासपोर्ट एक दिन के वीजे करते, असं 200 वीजे एक दिन के भी डिस्ट्रीब्यूट करते। वेलकम सर, की हाल चाल है जी? ठीक है सर, थैंक यू सर। मार्केट्स बहुत चर्चे ने विजन ग्रुप के, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स ने, बहुत सारे एजेंट्स ने जिहड़े पक्का दावा करते हैं कि असी कुछ भी हो जाए जिदा की मर्जी प्रोफाइल हो बच्चे जोड़ा है वह बाहर भेज देवे। विजन ग्रुप बाकी डिफरेंट कि सर? विजन ग्रुप देखो मार्केट ही दो तरह के कंसल्टेंट, चंगे भी हैं तो माड़े भी हैं, जिदा एक पास बहुत सारे माड़े भी हैं बहुत सारे चंगे भी हैं। विजन ग्रुप की अगर आप गल किसी ने कंपेरिजन नहीं कर सकते, विजन ग्रुप में 2007 तो असं इस ट्रेड के जुड़े हुए हैं, हूँ तक 7000 तो ज़्यादा वीजा लगा चुके हैं, 100 तो ज़्यादा इंप्लॉई है साड़ी कंपनी जो कैनेडा की फाइलिंग है, ऑफर लेटर्स है, वीज़ा एप्लीकेशन उत्ते काम कर रहे हैं, और तजर्बा सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सानू 16-17 साल हो गए इस कारोबार में जुड़े हुए, कैनेडा साडा फस्ट मोटिव है, कैनेडा के जो असं रिजल्ट कढ़ रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार असं बच्चों की प्रोफाइलों देखते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है और कितने कितने साडा टीम वर्क आ जाता है। टीम जिस तरह तुहाडे कोल स्ट्रोंग टीम है, जिहड़ी भी साडे कोल कंपनी के इंप्लॉइज़ हैं उन्होंने सबनों 5-5-6-6 साल तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कितने कितने वो चीज़ें जी पॉजिटिव है बाकी कंपनी नालों ज़्यादा पॉजिटिव है। सब तो बड़ा ट्रांसपेरेंसी बड़ी क्लीयर साड़ी है कंपनी की, जेडे बच्चे का वीज़ा नहीं होना उन्होंने फर्स्ट स्टेज से मना करते हैं कि वीज़ा नहीं हो सकता ना अपलाई करो, जिंदा होना है उनके केस से पूरे एफर्ट्स लगा देने हैं। तो कितने कितने अज भी जिते एक पास मार्केट बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रही है, विजन ग्रुप की अज भी 90% तो बाद वीज़ा लगाने वाली कंपनी है और पिछले कई सालों तो उसने हर एक रिकॉर्ड तोड़िया। जो बच्चा कहता वीजे नहीं आ रहे असं बारह बारह रिफ्यूजल वीजे करते, लोग पाँच पाँच दस दस पंद्रह पंद्रह पासपोर्ट एक दिन के वीजे करते, असं 200 वीजे एक दिन के भी डिस्ट्रीब्यूट करते। असी कैनेडा के जी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने नंबर वन इंडिया और साउथ एशिया के नंबर वन कंसलटेंट बन गए, तो कितने कितने वो चीज़ साडे लिए साडी कंपनी टैगलाइन प्रमोट कर रही और कितने कितने उनका रिजल्ट दिखा के बच्चों को होर मोटिवेट हो रहा। सर बहुत बार इदा होंगे बड़े सारे कंसलटेंट्स ने जो गल करते हैं कि अगर तुहाडे कोले फंड्स की कमी है या फिर तुहाडे बैंड्स पूरे नहीं आए तो कोई गल नहीं, असी तुहाडा जिहड़ा है किसी ना तरीके नाल जिहड़ा तुहाडा वीज़ा लगवा देंगे, कोई गल नहीं साडी सैटिंग है या साडा कुछ हैगा। विजन ग्रुप रिफ्यूजल होने के बावजूद भी कितना वीज़े दवाई जाता है? देखो दो चीज़ें सर, रिफ्यूजल आने का कारण नहीं समझ पाते बड़े सारे लोग, बड़े सारे लोग जो वीज़ा अपलाई करते हैं समझ नहीं पाते रिफ्यूजल आने का कारण की है। रिफ्यूजल आने के कई कारण होंगे, एक कारण है बच्चे वालों कमी, यानी बच्चा एकेडमिक वीक है, बच्चा आइलेट्स पीटी पासों वीक है तो इस करके वीज़ा रिफ्यूज होता है। दूजी कमी होंगी कंसलटेंट वालों, कंसलटेंट वालों की कमी होंगी है गलत कॉलेज में एडमिशन दवाती, गलत कोर्स में एडमिशन दवाती, फाइल में सही तरीके प्रजेंट नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन की कमी हाई कमीशन सबमिट की, जिस करके हाई कमीशन रिफ्यूजल उत्ते लिख देंदी है कि तू पढ़ के वापस नहीं आएगा। तो ये जिहड़े कारण है बहुत इंपॉर्टेंट कारण, अगर असी इन्हूं थोड़ा करिए ब्रीफ ना समझिए तो 90% बच्चा जो वीज़ा रिफ्यूज होता वो होंगे कोर्स मिसमैच करके, बच्चा गलत कोर्स अप्लाई कर लेता है, जिहड़ा बच्चा जिस कोर्स जाने लिए एलिजिबल नहीं उन्होंने उत्थे एडमिशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने प्लस टू इत्थे की है नॉन मेडिकल दे विच, उनके मैथ विचों नंबर 40 है और जिहड़ा कोर्स उन्होंने कंसलटेंट दवा रहा है उस कोर्स विच मैथ की रिक्वायरमेंट है तो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं देगा। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, मैच करना बहुत जरूरी है, अगर असी मैच नहीं करांगे तो सानू वीज़ा नहीं मिलता। विजन ग्रुप का सब तो बड़ा पहला मोटिव होता है अगर बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ होया, चाहे एक बार हो चाहे बारह बार होया, उनकी रिफ्यूजल के कारण लभना और उनकी रिफ्यूजल के कारण किदा लभांगे, उनके पुराने एप्लीकेशन फॉर्म नू चैक करके, उनकी ऑफर लेटर नू चैक करके, उनकी SOP नू पढ़ के, उस तो बाद एक डिसीजन लिता जाता है कि हाँ भी इस बच्चे की फाइल नू दुबारा लगाने का फायदा है कि नहीं है, और जिहड़ा कारण उनका रिफ्यूजल का आया उन्हें वीज़ा ऑफिसर नू एक्सप्लेन करना। जिते एक पास आप देखते हैं कि बहुत सारी जी कंट्रीज़ हैं वो बच्चों की इंटरव्यूज़ लैके वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं, वीज़ा देंगे है। ऑस्ट्रेलिया के अगर वीज़ा अपलाई करना तो अंबैसी अगर कोई डाउट हो जाए तो आपकी इंटरव्यू लैके तो डिसीजन देगी। US का वीज़ा इंटरव्यू बेस है, UK के अगर मान लो अंबैसी कोई डाउट हो जाए तो अंबैसी इंटरव्यू से बुला लेंदी है, बट कैनेडा हाई कमीशन 99.99% डॉक्यूमेंट बेस वीज़ा है, यानी वीज़ा ऑफिसर डॉक्यूमेंट देखता है और हाँ और ना बोलता है। तो जी प्रेजेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए है,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12-12 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ, ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ 12-12 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੇ 16-16 ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ।